प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। यानी ये जो बोर्ड बना हुआ है, ये जितेंद्र अवार्ड का नाम उसमें हमने नहीं लगाया बल्कि वहाँ की म्यूनसिपालिटी वालों ने खुद से लगाया। एक रिलीजियस मतलब जगह पे कब्रस्तान पे एक आमदार का नाम क्या कर रहा है? शहर को लावारिस समझ लिया, इसलिए आज कब्रस्तान के ऊपर जो लोगों ने अपना आमदार का नाम डाला, तो बोले आचार संहिता लगी इसलिए पेपर लगाया। नहीं हट्टा तो हम खुद अपना बना के लगा देंगे। ये कोई गार्डन या कोई हॉस्पिटल नहीं है जो किसी आमदार का नाम है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एम ए बोली, कब्रस्तान के गेट के ऊपर बोर्ड लगाया गया था जिस पर जितेंद्र अवार्ड का नाम लिखा हुआ था, जो कलवा मुंडा के विधायक है, और उसको लेकर SDPI पार्टी के तमाम लोग एतराज़ जता रहे थे। और आज जो है कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट, जिसके अंडर में न्यू सुन्नी कब्रस्तान है एम ए बोली का, उनके यहाँ पर ये ट्रस्ट की ऑफिस है देखेंगे, और यहाँ पर आए थे ये SDPI पार्टी के तमाम पदाधिकारी, और इन्होंने लेटर दिया है। क्या मांग की है हम बात करेंगे SDPI पार्टी के दाऊद भाई से। दाऊद भाई, क्या बताएंगे आप, कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट के ऑफिस पर आप लोग आए थे, क्या लेटर दिए, क्या बातचीत हुई इससे पहले? कुछ दिन पहले हमने कब्रस्तान गए थे तो वहाँ हमको बोर्ड दिखा था, उसके बारे में हमने बाइट भी दिया था। तो आज वो शिकायत हम लेके आए थे कि ये किसकी तरफ से लगाया गया है, तो ये ऑफिस वालों ने साफ इनकार किया है कि हमारी तरफ से, हमारा परमिशन नहीं है, हमारी NOC नहीं है। यानी ये जो बोर्ड बना हुआ है, ये जितेंद्र अवार्ड का नाम उसमें हमने नहीं लगाया बल्कि वहाँ की म्यूनसिपालिटी वालों ने खुद से लगाया। अब इनके बगैर NOC की, बगैर परमिशन के कैसे बोर्ड लग सकता है, इसके बारे में अभी ये लोग भी नहीं बता रहे। बोले हमारी मीटिंग होगी, हमने बहरहाल उनको एक लेटर दिया है। क्या ऐसे मौखिक बोल रहे हैं कि हमने नहीं कहा था, या लिखित में आपको कुछ अभी दिया? ये इनकी अभी मीटिंग होगी, इसके अंदर ये बताएंगे, क्योंकि फिलवक्त ऑफिस के अंदर कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं है। अच्छा, कौन है अभी? ये मुनाब भाई है, बैठे हुए मुनाब भाई है, बोल रहे कि चेयरमैन साहब नहीं है, वो ट्रस्ट में है ना, ट्रस्ट में है, लेकिन बोलते मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ और इसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। ये हमारी परमिशन है और हमारी NOC के बगैर वोट लगा हुआ है। तो फिल वक्त बोले हमारी मीटिंग बैठेगी, उसके बाद हम आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमें अभी बिल्कुल मालूम नहीं है कि हमने परमिशन दिया है कि नहीं दिया है। वो बाइट नहीं करना चाहते। मुनाब भाई, क्या मामला था? ये लोग जो ट्रस्ट के लोग आए थे, आपको लेटर दिए हैं, क्या बातचीत हुई है, क्या बताया? सॉरी, अभी यहाँ पे चेयरमैन साहब आए नहीं, वो आएंगे तो उनसे बहुत मुश्किल बताएंगे। आप भी ट्रस्ट में हो शामिल? नहीं, अभी कुछ नहीं, हमारी मीटिंग होगी, इसके बाद में जवाब देंगे। मीटिंग करने के बाद जवाब। मुनाब भाई हैं जो ट्रस्ट में हैं, इनका कहना है कि हम आपसे मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही कुछ जवाब देंगे। सरफराज भाई, क्या बताएंगे? उनका कहना है कि आपसे मीटिंग करेंगे, उसके बाद से जवाब। जी हाँ, हम लोग ने जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब ने बताया है कि हम लोग ने वहाँ पे देखा था MM वैली पे गेट पे, तो हम लोग यहाँ पे आके टच किए थे इनको और इनसे मुलाकात भी की हमने, तो इन्होंने बोले कि हमारी कोई रजामंदी से ये बोर्ड नहीं लगा गया है, ना हमने इसके लिए कोई NOC दिया, कुछ भी नहीं है। जब बोर्ड लगा तो हम खुद शॉक हो गए कि एक रिलीजियस मतलब जगह पे, कब्रस्तान पे एक आमदार का नाम क्या कर रहा है। तो इन्होंने बोले थे कि हमको आप एक लेटर दीजिए, वो लेटर पे ये ट्रस्ट वाले लोग मिलकर मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग आपको रिप्लाई देंगे, क्योंकि हमने ना कोई NOC दी और ना ये TMC वाले लोग ने। ये ट्रस्ट की तरफ से तो ऐसा कहा जा रहा है कि हमने दिया या नहीं दिया, उसका कुछ आपको लिखित वगैरह में दिया गया कि हमने वाकई में नहीं दिया? हमने आगे पहले इधर हारून भाई से भी मिले थे, मुनाब भाई पीछे बैठे, उनसे भी मुलाकात की थी, तो उन्होंने बोले थे कि एक लेटर एप्लीकेशन डालो। आपने क्या लिखा है लेटर? ये लिखा है लेटर हेड में कि भाई ये रिक्वेस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ पॉलिटिशियंस नेम फ्रॉम मुस्लिम सेमेट्री साइन बोर्ड, मतलब जो पॉलिटिशियन का नाम है जो मुस्लिम कब्रस्तान के ऊपर लगा हुआ है, वो हमने निकालने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। खाली अगर कौसा कब्रस्तान लिखा रहे या कोई या फ्रीडम फाइटर का नाम साथ में रहे तो वो अच्छा है, बाकी कोई आमदार या कोई पॉलिटिशियन का नाम नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो कुछ लोगों ने शहर को लावारिस समझ लिया है कि शहर लावारिस है, कभी कुछ मामला हो गया तो शहर में टायर जलते हैं, रोड, शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, कभी शहर में वो सब बात छोड़िए, आप कब्रस्तान का मुद्दा है, कब्रस्तान पे नाम का मुद्दा वो बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, शहर को लावारिस समझ लिया, इसलिए आज कब्रस्तान के ऊपर जो लोगों ने अपना आमदार का नाम डाला, शहर को लावारिस समझ नहीं। आज शहर में बोलने वाले होते तो ये चीज़ नहीं होती थी। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग जब वहाँ सर्वे करने के लिए गए तो उसने जो कब्रस्तान में जो काम करते लोगों ने बोले आचार संहिता लगी इसलिए पेपर लगाया है।
तो हम लोगों ने सबसे पहले ट्रस्ट से बात किया, ट्रस्ट ने बोला हमारी ये मालूमात में नहीं है, तो फिर हम लोगों को उन्होंने बोला कि एक लेटर दो, फिर लेटर आएगा तो हम लोग मीटिंग बिठाएंगे, मीटिंग बिठाने के बाद हम लोग आपको आगे का जवाब देंगे। लेकिन हम लोगों ने यही पूछा उन लोगों से कि कब्रिस्तान जब आप चला रहे हो तो इतना बड़ा बोर्ड लग गया तो आपको कैसा नहीं मालूम है, तो लोग यही बोल रहे कि हम लोगों को पता नहीं है। तो अभी हम लोगों ने उनको लेटर दिया है, मुनाब भाई बैठे हैं, उसके अलावा उनके जो बड़े ट्रस्टी उनसे ही बात किया, तो उन्होंने बोले अभी लेटर दिया, हम लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद में आपको हम लोग आगे जवाब देंगे। क्या नाम है? मोहम्मद असीम खान। लेटर तो दिया है, नहीं हटा तो क्या रहेगा आगे आपकी? नहीं, वो लोग भी तैयार हैं, एनओसी देने को तैयार हैं, और लोग बिना एनओसी के लगाया गया था, उन लोग को मालूम बिना एनओसी का लगाया गया। हाँ बता रहे हैं, और वो हमारा साथ दे रहे हैं और तो बोल रहे हैं, लेकिन लग तो गया था ना? नहीं लग गया था, वही तो देखना है हम लोग को, हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे ना, कैसे लगा है। अभी हम लोग बीएमसी से सवाल करेंगे, हम लोग लेटर बनाए हैं। टीएमसी से सवाल करेंगे, लगा हुआ है, इनकी तरफ से नहीं लगा ये बोर्ड, ये बोर्ड यह कह रहे हैं कि हमने नहीं लगाया, ये बोर्ड हमने नहीं लगाया है, वहाँ से लगा हुआ है। यानी अब ये महानगर पालिका नहीं हटता तो हम खुद अपना बना के लगा देंगे। अच्छा आप भी लगा दोगे? नहीं अपने पार्टी का नहीं, मतलब वोट चेंज कर देंगे पार्टी। तो देखिए चेंज होगा वोट इंशाल्लाह। अभी हम लोग आगे ना इसके हम लोग यहाँ ट्रस्ट को लेटर दिए, अभी हम लोग महानगर पालिका से भी सवाल करेंगे, इस पर आरटीआई भी मारेंगे, कानूनी कार्रवाई जो होती है हमारी पूरी लीगल टीम इस पर ऑलरेडी तैयार है, ये लोग खुद तैयार इंशाल्लाह निकल के रहेगा। नहीं नहीं ये लोग खुद तैयार है कि इसमें नाम नहीं आना चाहिए, ट्रस्ट जो है वो खुद तैयार है कि इस तरह से आमदार का नाम किसी भी कब्रिस्तान रीजनल प्लेस पे नहीं होना चाहिए। ये कोई गार्डन या कोई हॉस्पिटल नहीं है जो किसी आमदार का नाम आए, इसलिए ये नाम हटना चाहिए, ये उनका खुद ट्रस्ट का भी कहना है। तो आपने सुना कि एसडीपीआई पार्टी के जो तमाम लोग हैं ये पहुँचे थे यहाँ पर, बातचीत की है, जो नाम लिखा हुआ है विधायक जितेंद्र भाट का, ट्रस्ट के लोगों ने कहा है कि वो मीटिंग करेंगे तमाम जो ट्रस्ट के जिम्मेदार है, उसके बाद जो इन्होंने लेटर दिया है नाम हटाने का, उसके बाद ट्रस्ट के लोग डिसाइड करेंगे कि नाम जो है वो कब्रिस्तान के गेट पर जो लिखा गया है उसे हटाया जाए।